हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी सी चटपटी पालक आलू की सब्ज़ी। अगर आपको कोई साग वाली सब्ज़ी बनाने का मन हो तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है पालक और 4 से 5 आलू। इन आलुओं को मैंने छिलका पहले ही उतार लिया था और यहाँ पर मैंने बड़े बड़े थोड़े टुकड़ों में कट करके और साथ ही पानी में डाल देते हैं। आलू कट करने के बाद आपको तुरंत पानी में डाल देना चाहिए ताकि जो आलू है वो काले नहीं पड़े। यहाँ पर मैंने लिया है ढेर सारा लहसुन की कलियाँ और इन कलियों को हम क्या करेंगे कि कद्दूकस जैसे एकदम में ही कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़े साइज की प्याज, जिन्हें मैं बारीक बारीक से चॉप कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सभी चीज़ों को पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम सब्ज़ी बनाना शुरू करेंगे क्योंकि सब्ज़ी बनाना हमारे आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्याज को भी क्या करेंगे कि चॉप कर लेंगे बारीक बारीक से। और आप देख सकते हैं कि हमारी सभी तैयारियाँ जो है कि लगभग हो चुकी है। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें डाला है सरसों का तेल। सरसों का तेल में ही सब्ज़ी जो है कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों काली वाली और 1 टेबल स्पून जीरा। साथ ही मैं डालूँगी कटी हुई लहसुन और प्याज और इन्हें हम क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज उधर गल रहे हैं तब तक हम इधर 1 टमाटर को बारीक बारीक से चॉप कर लेते हैं क्योंकि हम इस सब्ज़ी में पालक की सब्ज़ी में टमाटर भी डालने वाले हैं क्योंकि टमाटर की टेस्ट जो है कि सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने 1 टमाटर को बारीक बारीक से चॉप कर लिया है और यहाँ पर हम प्याज में डाल देते हैं। प्याज में डालकर हम साथ ही डाल देंगे नमक और इन्हें थोड़ी देर के लिए हम टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए भून लेते हैं जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है कि बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो गई है क्योंकि नमक हमने टमाटर में डाल दिया था और बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि आलू डालकर और 2 से 3 मिनट टमाटर के साथ भून लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी को डालकर हम क्या करेंगे कि अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट क्या करना है कि आलू को ढक कर के भूनना है ताकि जो हमारी आलू में थोड़ी बहुत कसर है वो यहीं पर कुक हो जाए, पक जाए। तब तक मैं इधर साग भी यानी कि पालक को भी फ्रेश पालक को भी क्या करूँगी कि जड़ कट करके हटा करके और यहाँ पर हम पालक को भी बारीक बारीक सा चॉप कर लेती हूँ क्योंकि हमें पालक को आलू में डालना है और सब्ज़ी बनाना है। तो यहाँ पर हम पालक डालकर मतलब पालक काट करके आलू में डाल दिया है और इसे हम क्या करेंगे कि अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हम और भुनेंगे। हमारी जो सब्ज़ी है कि समझ लीजिए भूनते भूनते ही पक जाएगी। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो बस सिर्फ भून कर आप यहाँ पर सब्ज़ी को उतार सकते हैं और आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर चावल के साथ खाना है तो आप थोड़ा सा 1 कप जितना पानी डालिए और सब्ज़ी को 2 से 3 मिनट पका करके आपको सब्ज़ी को बंद कर देना है गैस को। तो मैं लंच के लिए बना रही हूँ चावल के साथ सर्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि थोड़ा सा पानी डाला है, मतलब 1 कप जितना पानी डाला है। और पानी डाल करके हम क्या करेंगे कि 2 से 3 मिनट आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू जो है कि अच्छे से कुक हो गए हैं। मैंने पहले ही बोला था कि आलू आपका भूनते ही में ही सब्ज़ी कुक हो जाएगा और आप रोटी के साथ सर्व करना है तो यहीं पर बंद कर दीजिए फ्लेम। और हमने यहाँ पर लंच के लिए चावल के साथ सब्ज़ी बना रही हूँ तो 1 से 1.5 कप पानी डाल करके यहाँ पर हम ढक देंगे और 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। तब तक मैं इधर चावल भी बैठा देती हूँ कुकर में क्योंकि चावल बहुत ही जल्दी जो है कि कुकर में बनकर तैयार हो जाती है। और यहाँ पर आप सब्ज़ी 2 से 3 मिनट बाद देख सकते हैं कि बन करके तैयार हो गए हैं। तो आपको यहाँ पर चावल के साथ सब्ज़ी सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप यहाँ पर सब्ज़ी पालक आलू की चावल और यहाँ पर मैंने थोड़ा सलाद लिया है।